नहीं पता था। हम लोग अचानक से आ गए हैं, तुझे सरप्राइज देते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। जी लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग जो है जाने वाले थे जिया के घर, लेकिन अचानक से जो है हमारा प्लान हो गया कैंसिल और इस वजह से जो है हम लोग जा नहीं पाए। जिया काफी ज्यादा दुखी हो गई कि अब जो है वह जा नहीं पाएगी। कार्तिक मेला में जाने का उसका बहुत ही मन था। उसने सारे दोस्तों को भी कह रखा था कि हम आ रहे हैं, जो दोस्त सब बाहर थी उनको भी कह रखा था, तो सभी लोग जो है गाँव आ गए और अचानक से मालूम चला कि जिया नहीं जा पा रही है, तो काफी खराब लगा उसको। फिर हमने देखा कि क्रियांश की तबीयत में जो है सुधार आ रहा है और क्रियांश को लेकर के हम लोग काफी ज्यादा चिंतित थे कि क्रियांश की तबीयत सही नहीं है, हम लोग अब नहीं जाएंगे। लेकिन देखा कि क्रियांश जो है बिल्कुल अब फिट है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो हम लोग सोचे कि चलो अब जाते हैं। लेकिन जब जाते हैं तो इसके बारे में जो है जिया के घर वालों को नहीं बताएंगे, उनके लिए एक सरप्राइज हो जाएगा, वो लोग भी असर हो जाएंगे, तो देखते हैं। जिया जो है फिलहाल तैयारी कर रही है, उम्मीद नहीं थी कि आज निकलेंगे, लेकिन जो है आज मौका मिल गया निकलने का। 3 बज रहा है और घर में नहीं बताई, सरप्राइज ही रहना चाहिए, अच्छा लगेगा। हाँ। रिया को बता दीजिए ना, रिया भागलपुर में वो भी आएगी ना। अच्छा तो रिया नहीं बताएगी, बोल देना, बताएगी तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा उसके लिए। तो अब चलते हैं जी, सारे सामान को जो है गाड़ी में रखते हैं और अब जो है निकलने की बारी भी हो चुकी है। तो यह है जी क्रियांश का बैग, क्रियांश का जितना भी सामान रहता है इसी बैग में रहता है, इसका डायपर हो गया, इसका जो भी बाकी सब सारा सामान है तो सब कुछ ले लिया है, और अपना तो बस एक बैग ये है, तो चलते हैं जा करके रखते हैं। फिलहाल जो है माँ भी एकदम तैयार है, माँ भी कहीं जाने की कर रही है तैयारी, हमारे साथ चलेगी स्टेशन तक और माँ को जो है स्टेशन छोड़ देंगे। माँ स्टेशन इसलिए जा रही है क्योंकि हमारे एक चाचा चाची हैं, उनका कटिहार से ही ट्रेन है और वो दिल्ली की तरफ जाएंगे। तो मम्मी जो है छठ का जो भी प्रसाद है वह सब जो है उनको देने वाली है, ताकि वह सारा प्रसाद जो है पहुँच जाए मोनू और रितु के पास। तो हम लोग निकल रहे हैं जी, माँ को जो है स्टेशन पर छोड़ देंगे, वहाँ पर हमारे चाचा चाची है, तो वहाँ पर माँ जो है उनसे मिल लेगी और हम लोग भी मिलेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जो है चले जाएंगे जिया के घर की तरफ। ठीक है बाबू बेटा। और माँ जो है फिलहाल वहाँ पर अपना रहेगी कुछ देर। जो पहने हैं सोच रहा कहीं दादी भी है तुम्हारी, देखो दादी भी है तुम्हारी। तो माँ पहुँच गई है जी स्टेशन और यहाँ पर चाची जी है हमारी, उनसे बात कर रही है, हमारे दोनों भाई भी है साथ। हाँ मिल गया, ये ले लो टिकट, ये टिकट ले लो, दो ले लिए हैं, एक्स्ट्रा आ गया है। तो मम्मी मिल गई जी यहाँ पर अपनी चाची जी के साथ और यहाँ हमारा लड्डू। हाँ तो हम लोग चलते हैं, शाम हो जाएगा थोड़ा। ठीक है सर, वापस बस परसों हो जाएंगे, हाँ कल मेला देखना है बस। क्रियांश दादी के पास ही रहेगा लगता है। अभी नोट ही खा लेगा, नोट खा लेगा भैया, चलो चलते हैं। ठीक है चाची चलते हैं भाई, 2 घंटा। हाँ हाँ वही अंधेरा ना हो जाए, बच्चा है साथ में इसलिए निकल रहे, खुश रहो बाबू। ये देखो अपने चाचा के साथ कितना खेल, चाचा नहीं इसका क्या लगा, भाई लगा ना, चाचा ही लगा इसका। हाँ क्या छोटा है तो चाचा नहीं लगेगा। चाचा भतीजा को देख लो आप, अपने चाचा का गाल नोच लेगा ये, ओए तुम्हारा टी शर्ट खाएगा। बाय लड्डू बाय। तो लड्डू और वैभव तो चला गया जी, जो हमारे भाई थे वो यहाँ तक छोड़ने आए थे, और क्रियांश भी बहुत मजे में खेल रहा था अपने चाचा के साथ, पहली बार मिला था उन चाचा से। हाँ बहुत एंजॉय किया, घूमते हाँ जी। हम लोग जी अब निकल रहे हैं, मन तो कर रहा था थोड़ी देर वहाँ पर रुकते, चाची से बात करते, अपने भाई लोग से बात करते, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा ज्यादा लेट करेंगे तो। टाइम ऑलरेडी हो चुका है, 4 बज चुका है यहाँ पर, और 5 बजते तो अंधेरा हो जाता है, और जिया के घर पहुँचने में लग जाता है लगभग 2 घंटा, तो थोड़ा सा तो अंधेरा का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करेंगे जितनी जल्दी पहुंच जाए अच्छा रहेगा। हम लोग पहुंचने वाले हैं और किसी को पता नहीं है, सरप्राइज देने वाले हैं ना। बिल्कुल नहीं, और यहाँ पर तो बैठा भी नहीं हुआ है, अच्छी बात है। तो पता ना अभी रहती है नहीं पता था। हम लोग अचानक से आ गए हैं, तुझे सरप्राइज देते हैं। दूर से ही पहचान गए हम लोगों को, लेकिन गाड़ी तो दूसरा है, कैसे पहचाने? आपका शक्ल देख के पहचान लेंगे।
अच्छा अच्छा, अब यहाँ देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। यहाँ लगता है खोया ही नहीं, घर जाना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा किसी को। चलो अच्छा। पता ना तो सब आ गया घर वाले। हाँ हाँ, शांत हो गया है नानी घर आती आते। कोई लेने नहीं आया, पापा ऐसा सरप्राइज दिए कि कोई लेने नहीं आया। तो क्रियांश अभी तक रो रहा था, नानी घर आते ही चुप हो गया है यार, और चल रहे हैं तो हम लोग तो सरप्राइज दे रहे हैं। बाबा वहाँ पर हम लोग कहे कि हम लोग चलो बताना नहीं कि अब जो हम लोग आ रहे हैं। रिया यहाँ नहीं है क्या? अच्छा, उसको बोली थी तुम अन्य साइड। हम लोग जी फिलहाल निकल गए हैं बाहर और हम लोग जो कहीं जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है तो हमको रास्ता दिखाते जाना आगे, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा आ रहा है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि फ्लैश लाइट जला करके हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इस रात में। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि रात के टाइम जो हम जिया के गाँव निकल रहे हैं घूमने के लिए। और मेला जो है कब तक है? शायद कल दोपहर तक रहेगा। मेला जो है कुछ दिन है, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि आज आए हैं तो एक बार जा करके वहाँ पर प्रणाम कर ले, दर्शन कर आए और एक बार मेला देख भी लेंगे। अच्छा, झूला दिख रहा है, ये कैमरा में नहीं दिखेगा, हम देख पा रहे हैं वहाँ पर। तो चलते हैं जी यहाँ से, और सोच तो रहे थे कि हम लोग गाड़ी से चले जाए, लेकिन वहाँ पर जाम बहुत ज्यादा होगा तो इसलिए हम लोगों ने गाड़ी नहीं लिया, वैसे ही पैदल चल रहे हैं। वैसे पैदल चलने का कुछ अलग ही मजा है। वैसे यहाँ से आपको कुछ लाइट जैसा दिख रहा होगा वहाँ पर, वही झूला है। तो वहाँ चलते हैं, नजदीक जा करके पता चलेगा क्या है कैसा है सब कुछ। फाइनली जी हम लोग मेला में पहुंच गए। तो फाइनली जी हम पहुंच गए हैं मेले में, और यहाँ पर तो देख रहे हैं लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है, और लग रहा है कि गांव के लगभग आसपास जितने भी गांव है सभी जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जब यहाँ पर आए हुए हैं तो सबसे अच्छा चीज क्या लग रहा है, यहाँ का जो लोकल चीज सब जो बन रहा है ना वहाँ मेला सब, वो सब देख के बड़ा मजा आ रहा है। तो हम जो है खाना पहले ही खा लिए, गलती की है, और ना यहाँ पर आकर के खाते हैं। गलती की हम खिला करके, हमको भी नहीं खाना चाहिए था ना तुमको खाना चाहिए था। कोई बात नहीं, कल फिर आएंगे और फिर से यहाँ पर आकर के जरूर खाया जाएगा कुछ ना कुछ। फिलहाल यहाँ पर क्या क्या चीज है आपको दिखाते हैं। किसकी बेटी? अच्छा, आरती की। फिलहाल जी आ गई है यहाँ लाई के पास, और देख सकते हैं यहाँ पर जो है गुड़ को खदकाया जा रहा है। नहीं, ये मुड़ी को डाला जाएगा जिसको हम लोग मुड़बुरे भी बोलते हैं। यहाँ पर लाई सब देख सकते हैं बना हुआ है। उसे तो हम लोग मकर संक्रांति के समय ज्यादातर खाया करते हैं। यही चढ़ता है इस दिन। अच्छा अच्छा, वहाँ पर देख सकते हैं जी, और कहता वहाँ पर कट किया हुआ है इसके ऊपर डाल करके चौकुटा चौकुटा यहाँ पर डाला जा रहा है और इसी को चढ़ाया जाता है यहाँ पर। सब खरीद खरीद के इसी जिया जा रही है मिठाई की दुकान के पास। जिया जैसे ही गुलाब जामुन देखती है इसका मन जो है ललचने लगता है। आपका नहीं। यहाँ पर मिठाई का साइज सब देखिए जी, कितना बड़ा सब है। कर कर अनाउंस, बोल बोल जलेबी। यार जो बहुत ही अच्छे से अनाउंस कर रहा था जलेबी जलेबी, कैमरा आ गया तो शर्मा गया। हाँ ये देखिए, मेरा तो सबसे ज्यादा जी ललचता है, नहीं जानती क्या देखिए। वो जो बड़ा बड़ा देखते है ना पूरी, वो वहाँ पर देख रही है ये बड़ा मन करता है खाने का हमेशा। हम लोग जी पहुंच गए हैं झूले के पास। यहाँ पर जो कुछ कुछ वैरायटी का झूला है, लेकिन किसी को झूलने की हिम्मत नहीं हो रही है। बस जिया कह रही है कि अकेले हम झूलेंगे, लेकिन जिया का साथ देने वाला कोई नहीं है। तो तुम अकेले चले जाओ। यहाँ पर जिया की दोस्त सब भी आई हुई है, उधर है सोनी और उधर है आरती प्रीति, उनसे भी पूछ रही है, उनको भी डर लग रहा है झूलने में, उनके हस्बैंड को। तो पहले हमें डर नहीं लगा करता था, लेकिन जब से लॉकडाउन आया है हमें ध्यान, उसके बाद एक बार हम झूलने गए थे उस समय हमारी हालत खराब हो गई थी, उसके बाद से मेरे अंदर भी डर बैठ गया है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। और पहले चले जाया करते थे, कोई डर नहीं लगता था। एक बार फिर हिम्मत करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, वो कभी और करेंगे। तो हम
लोग का हो गया जी मेला घुमा हुआ, और अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं। और घर से तो इंस्ट्रक्शन था कि थोड़ी जल्दी घर लौट करके आना है, बस यहाँ दर्शन कर लेना है, तो दर्शन हो गया यहाँ पर। बाकी अब यहाँ चलते हैं, तो क्रियांश कुछ समय बाद जब बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए काफी झूले हैं यहाँ पर, क्रियांश भी झूला करेगा उन सब झूलों पर। हाँ, तो इंतजार है उसके बड़े होने का। A few moments later. हम लोग जी यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर रुक गए, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर नाटक हो रहा है, और काफी अच्छा लग रहा है नाटक देखने में। और गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए, अच्छी खासी भीड़ हो गई है यहाँ।